आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ भंवरताल गार्डन जबलपुर के बारे में। भंवरताल गार्डन जबलपुर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भंवरताल गार्डन जबलपुर शहर के बीचों बीच में स्थित है। आप इस गार्डन में घूमने के लिए आ सकते हैं। भंवरताल गार्डन में एक साइड में आपको स्केटिंग के लिए भी जगह मिलती है, जहां पर बच्चे स्केटिंग करते हुए आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां पर सभी लोग आकर स्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्केटिंग के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ये मैं आपको बताया हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देता हूँ स्केटिंग के। भंवरताल गार्डन में आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए आ सकते हैं। भंवरताल गार्डन में आपको ₹5 का एंट्री टिकट लगता है। ₹5 दे करके गार्डन में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप अपने गाड़ी से आते हैं तो ₹10 पार्किंग चार्ज लिया जाता है। पूरे गार्डन में एक मानव निर्मित झील क्यों बनाया गया है। इस झील में फब्बारा लगाया गया हुआ है। यहाँ पर फब्बारा शाम को चालू होता है और फब्बारे में खूबसूरत लाइट लगी हुई है जो फब्बारे पर पड़ती है और फब्बारा बहुत खूबसूरत लगता है। भंवरताल गार्डन के बीचों बीच रानी दुर्गावती की मूर्ति है। रानी दुर्गावती की मूर्ति घोड़े पर सवार है और तलवार हाथ में लिए हुए हैं। यह मूर्ति एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। यह मूर्ति बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पर रानी दुर्गावती के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। भंवरताल गार्डन में एक छोटी सी कैंटीन है। इस कैंटीन में आपको खाने पीने के लिए वस्तुएं मिल जाती हैं। आप यहाँ पर आकर खा पी भी सकते हैं। भंवरताल गार्डन बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस गार्डन में जगह जगह पर बैठने के लिए सीमेंट के चेयर बनाए गए हैं। भंवरताल गार्डन में बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बनाया गया है, जो कि झूला बनाया गया है, जिसमें बच्चे झूला झूल सकते हैं और काफी एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए स्केटिंग की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बच्चे स्केटिंग भी कर सकते हैं। भंवरताल गार्डन में एक वॉच टावर भी बनाया गया है, यानी कि व्यू पॉइंट, जहाँ पर आपको सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता है। इसके बाद सीढ़ियों से आपको पूरे गार्डन का व्यू देखने के लिए मिलता है। यह पार्क अभी बहुत समय पहले नए तरीके से बनाया गया है।
यह पार्क अभी कुछ समय पहले नए तरीके से बनाया गया है। शाम के समय भंवरताल गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि पार्क का वातावरण बहुत अच्छा है और हरा भरा है। भंवरताल गार्डन सुबह और शाम को खुलता है, दोपहर को यह पार्क बंद रहता है। भंवरताल गार्डन में आपको फोटोग्राफी का मजा भी लिया जा सकता है।